आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट्स जो इस बार अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में एंट्रेंस एग्जाम दिए, काफ़ी सारे कोर्सेज का रिजल्ट आया उसके बारे में। हम सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ AMU एग्जाम कंट्रोलर सिंपल गूगल पे जाकर सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे जब आप क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन ओपन होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो तीन चार लिस्ट ऐसा है जो पब्लिश हो रखा है। अगर आप आते ही यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे नोटिस एंड अपडेट्स को वाले आइकन पे, तो इसके नीचे बी ऑनर्स का रिजल्ट दिख रहा है, उसके बाद MSc बायोटेक का दिख रहा है। अगेन इसके नीचे जो MBA वाला एस्पिरेंट है उनका भी सेलेक्टेड लिस्ट आ गया। हम सिंपली एक एक करके सारा चेक कर लेंगे। अभी हम बी ऑनर्स पे चल लेते हैं, फिर आगे की चीज़ें। हालांकि ये है कि जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आइकन दिखेगा। सबसे पहले फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में जो है अभी सिर्फ गर्ल्स का लिस्ट आया है, बॉयज़ का नहीं है। इनका बहुत जल्द आ जाएगा। जो बच्चे पूछ रहे हैं उनके लिए फिलहाल पेशेंस ही रखना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जो है खासकर बी ऑनर्स का जो रिजल्ट है वो आ गया है। ये रहा बॉयज़ का, बॉयज़ एंड गर्ल्स का, मदरसा कैटेगरी कैंडिडेट का भी। अब फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बात कर ले तो पहले ही रिजल्ट आया था। इवन इसमें भी जो है कुछ रिजल्ट जो है अपडेट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में अगर आप देखें आज के टाइम में, तो यहाँ पे MSc बायोटेक का जो मैंने आपको बताया उसका रिजल्ट आ गया है। फैकल्टी ऑफ लॉ में यानी BLLB अभी कोई भी कोर्सेज का रिजल्ट नहीं आया है। फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में भी नहीं आया है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में जरूर आ गया है, ये है इंटरव्यू लिस्ट, चांस मेमो लिस्ट, स्पेशल कैटेगरी। ये जो इंटरव्यू लिस्ट है ये वो बच्चे हैं जिनका 90% चांस एडमिशन हो जाएगा, लेकिन इन सब लिस्ट में कुछ चीज़ें सब में कॉमन है। बस यही कि आपका जो काउंसलिंग होगा वो ऑनलाइन होगा, मतलब एडमिशन का जो प्रोसीजर होगा फिलहाल वो ऑनलाइन होगा। फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, लेकिन वो सिचुएशन डिपेंड करेगा। अभी फिलहाल आपके ऑनलाइन काउंसलिंग होंगे। आप कहेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग हमारा कब से होगा, तो उसके लिए सेपरेट डेट आएगा जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मे बी नेक्स्ट 2 to 3 डे और 4 डेज के आसपास में आपके शेड्यूल आ जाएंगे। बाकी मैं ये कहूँगा ऑफिशियल आप वेबसाइट से अपडेट रहिएगा। देखिए यहाँ पे जो भी रिजल्ट आए हैं आपको यहाँ पे दिख सकता है, MSc डेटा साइंस, MSc साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक। यहाँ पे देखिए तो MSW का भी फाइनली, और फैकल्टी ऑफ सोशल, हालांकि मैं आपको बता दूँ जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में लिस्ट है वही फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में है। मतलब जो स्पेशल कैटेगरी चांस में सब उसी, मतलब दोनों में कॉमन ही है, कोई अलग नहीं है। तो या तो यहाँ देखिए वहाँ देखिए, बहुत हर तरह से। और ये रहा बाकी अपकमिंग में जो भी अपडेट्स आता है, अपडेटेड रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही कोई क्वेरी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।